कांग्रेस का शासन है, जो बीजेपी का शासन है और जो बहन जी का शासन है, उसमें अंतर महसूस होने लगेगा। और जब अंतर महसूस होगा तो आपको पता है कि बहन जी ने जैसे एक बार मौका मिला 1995 सरकार चलाने का, उसके बाद से वो विकल्प बन गई उत्तर प्रदेश में, वैसे ही बहन जी देश में भी विकल्प बन जाएंगी। इसीलिए जब बहन जी विकल्प बनेंगी तो समाजवाद की जो राजनीति है, जो खास करके माइनॉरिटीज के कंधे पे चलती है, वो समाजवाद की विचारधारा बहुत आपको दम तोड़ती हुई नज़र आने लगेगी। और जो ओबीसी की पार्टियां हैं, जिनको ओबीसी लोग समाजवाद के नाम से चलाते हैं, उनका जो राजनीतिक भविष्य है वो खतरे में नज़र आता है। इसलिए वो लोग जानबूझ के बहुजन समाज पार्टी से दूरी बनाते हैं, ताकि उनकी जो राजनीति है वो माइनॉरिटी के नाम से वो राजनीति उनकी चलती रहे। और आपको पता है कि आज पूरे देश का जो बहुजन समाज है, वो बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में कहीं ना कहीं वो बहन कुमारी मायावती जी के ऊपर विश्वास उसका है। क्यों विश्वास है? उन्होंने जो काम करके दिखाया है, उस काम की बदौलत उनके शासनकाल में जो लॉ एंड ऑर्डर है वो किसी के साथ इनजस्टिस नहीं करता है, कोई जाति नहीं देखता है, कोई धर्म नहीं देखता है, कोई क्षेत्र नहीं देखता है, कोई मजहब नहीं देखता है, वो बराबर काम करता है। और नतीजा ये है कि जब तक उन्होंने शासन किया, एक भी आपको दंगा देखने को नहीं मिला। और आप जानते हैं, अंग्रेजी में कहा जाता है देयर इज पीस देयर इज प्रॉस्पेरिटी। तो जब प्रदेश शांत रहा, आप बहन जी के शासनकाल में खासकर 5 साल आप देख लीजिए, लगभग 11% के ग्रोथ रेट के हिसाब से उत्तर प्रदेश ने प्रोग्रेस की है। और गौतम बुद्धा जैसी यूनिवर्सिटी और यमुना एक्सप्रेसवे जैसा एक्सप्रेसवे बनाया उन्होंने, अंबेडकर विलेज स्कीम के नाम से उन्होंने खास करके शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के जो विलेज हैं उनकी स्थिति बहुत अच्छी बनाई, उनको ज़मीनें दी, उनका लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ नौकरियाँ दी। तो ये सारी चीज़ें आप समग्र रूप से देखेंगे तो आज कहीं ना कहीं इस पूरे देश इस बात से मुतमईन हो रहा है कि बहन जी की जो लीडरशिप है उसमें अगर देश में परिवर्तन हो तो वो बहुत सार्थक परिवर्तन हो। नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं SM न्यूज़। हमारे साथ एडवोकेट अभिषेक सिंह हैं, जो किसी नाम तारीफ के मोहताज नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं। स्वागत है अभिषेक जी आपका हमारे चैनल में। जय भीम, आपको भी और आपके सारे दर्शकों को। जी, लगातार आप सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से भी देखते रहते हैं, तमाम देश के जो इस वक्त नज़र है वो मोदी जी के ऊपर है। मोदी जी लगातार अपने कार्यों से बहुत बढ़िया बढ़िया करते हैं। दो पक्ष इस वक्त देश में चल रहे हैं, एक अंबेडकरवाद और एक मनुवाद। मनुवाद जो है वह बोलता है कि मोदी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, और जो अंबेडकरवाद है वो कहते हैं बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं। बल्कि अंबेडकरवाद नहीं, देश के अंदर जो हालात हैं, चाहे वो मणिपुर कांड हो, चाहे MP का मूत्र कांड हो, इस तरीके, चाहे वह घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जाता, मूछे नहीं रखने दिए जाते हैं, या फिर छोटे से बच्चा अगर पानी पीता है तो उसको भी मार दिया जाता है। तो क्या लगता है आपको कि 2024 का एग्जिट है मोदी जी के लिए, क्या कहना चाहेंगे? जो आपने जो सवाल किया है उसमें दो बातें हैं जिसको हमें एड्रेस करने की ज़रूरत है। एक तो जो आपने मनुवादी बात बोली है जी, तो अगर मनुवादियों को ये जज हमें करना है कि मनुवादी देश के लिए कितना पॉजिटिव काम कर रहे हैं, तो देश का जो संविधान है और संविधान में जो मूलभूत अधिकार दिए हैं, जैसे स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, बराबरी का, तो हमें उनको उनके ऊपर जज करना चाहिए। अगर आप उसके ऊपर देखेंगे तो इस देश में गैर बराबरी की खाई बढ़ी है, चाहे वो आर्थिक रूप से देखें, चाहे सामाजिक रूप से देखें, चाहे धार्मिक रूप से देखें। आज इस देश में जो बड़े धर्म हैं उनके बीच में आप हर जगह आप देखते हैं कि कोई त्यौहार होगा, हमेशा शंका रहती है कि यहाँ कम्युनल वायलेंस ना हो जाए। और अभी आपको हरियाणा का नूह डिस्ट्रिक्ट में कम्युनल वायलेंस देखने को मिला है। आप अपने सुदूर नॉर्थ ईस्ट के रीजन में देखें, जो नॉर्थ ईस्ट के रीजन में वहाँ भी दो जातियों का संघर्ष शुरू हो गया है। तो ऐसे आप देखेंगे, और दलितों के अगेंस्ट अगर आप देखेंगे तो कोई ऐसा स्टेट नहीं है, चाहे वो कांग्रेस रूल्ड हो चाहे BJP रूल्ड हो, जहाँ दलितों पे लगातार अत्याचार एट्रोसिटी की घटना न हो रही हो। तो इस लिहाज से अगर देखेंगे, सामाजिक और आर्थिक रूप से देखेंगे, तो आप ये कह सकते हैं कि जो BJP के नेतृत्व में या जो NDA की सरकार है, खास करके मोदी जी के नेतृत्व में, वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है उसको पूरा करने में नाकामयाब है बुरी तरह से जी। और जो दूसरी बात आपने पूछी है कि क्या 24 में मोदी जी जो है वो सत्ता से बाहर जाएंगे, मोदी जी को अगर सत्ता से हमें बाहर भेजना है तो आपको पता है कि इस देश में जो आज की हालत है, आप बिना शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स, बिना रिलीजियस माइनॉरिटी को आप इकट्ठा किए, आप मोदी जी को सत्ता से बाहर नहीं भेज सकते हैं।
और आपको पता है कि आज पूरे देश का जो बहुजन समाज है वो बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में कहीं ना कहीं वो बहन कुमारी मायावती जी के ऊपर विश्वास उसका है। क्यों विश्वास है? उन्होंने जो काम करके दिखाया है उस काम की बदौलत उनके शासनकाल में जो लॉ एंड ऑर्डर है वो किसी के साथ इनजस्टिस नहीं करता है, कोई जाति नहीं देखता है, कोई धर्म नहीं देखता है, कोई क्षेत्र नहीं देखता है, कोई मजहब नहीं देखता है, वो बराबर काम करता है। और नतीजा ये है कि जब तक उन्होंने शासन किया एक भी आपको दंगा देखने को नहीं मिला। और आप जानते हैं अंग्रेजी में कहा जाता है देयर इज पीस देयर इज प्रॉस्पेरिटी। तो जब प्रदेश शांत रहा आप बहन जी के शासनकाल में, खासकर 5 साल आप देख लीजिए, लगभग 11% के ग्रोथ रेट के हिसाब से उत्तर प्रदेश ने प्रोग्रेस की है। और गौतम बुद्धा जैसी यूनिवर्सिटी और यमुना एक्सप्रेसवे जैसा एक्सप्रेसवे बनाया उन्होंने, अंबेडकर विलेज नाम अंबेडकर विलेज स्कीम के नाम से उन्होंने खास करके शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के जो विलेज हैं उनकी स्थिति बहुत अच्छी बनाई, उनको ज़मीनें दी, उनका लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ नौकरियाँ दी। तो ये सारी चीज़ें आप समग्र रूप से देखेंगे तो आज कहीं ना कहीं इस पूरा देश इस बात से मुतमईन हो रहा है कि बहन जी की जो लीडरशिप है उसमें अगर देश में परिवर्तन हो तो वो बहुत सार्थक परिवर्तन होगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो शेड्यूल कास्ट है, जो शेड्यूल ट्राइब्स है, जो ओबीसी है, जो रिलीजियस माइनॉरिटी है और जो खास करके प्रोग्रेसिव लोग हैं जो जाति के बात को नहीं मानते हैं, खास करके कास्ट हिंदूज में, अगर ये लोग बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले इकट्ठा हो जाए तो मुझे लगता है कि मोदी जी को 2024 में कोई जाने से रोक नहीं सकता है। अभिषेक जी आप बोल रहे हैं कि बहन जी के नेतृत्व में सारे लोग काम कर लें, लेकिन एनडीए का गठबंधन हुआ, उन्होंने अपनी संगठन अलग बनाया, भारत बना, इंडिया बना, 26-38 का गठबंधन नज़र आया, बिहार के अंदर भी गठबंधन की सुबुहाट हुई, वहां पर भी बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती को भी नहीं बुलाया, तो क्या उनको उनसे दूरी बनाई जा रही है, क्या कहेंगे? जबकि सारे बहुजन समाज के लोग होते हैं, बहुजन समाज के हित की बात करते हैं, अम्बेडकरवाद की बात करते हैं, बहुजनों के चिंतक बनते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो तीन चार बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं उनको भी इससे दूरी बनाई गई, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए इसका सीधा सा अगर आप देखेंगे कि इसका कारण क्या है, बहन जी इस देश की अग्रणी नेताओं में से एक है और उनके साथ बहुत बड़ा जनमानस उनके साथ है, लेकिन जो खास करके कांग्रेस की विचारधारा वाली पार्टियां या समाजवाद की विचारधारा की पार्टियां एक जगह इकट्ठा हो रही हैं लेकिन वो बहुजन समाज पार्टी से परहेज कर रही हैं, इसका कारण क्या? अगर इसके बारे में थोड़ा सोचेंगे, विचार करेंगे तो आपको एक बात नज़र आएगी, जो समाजवाद है वो खास करके उसको ढोने वाले माइनॉरिटी समाज के लोग हैं, और जो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी वहीं अपना शासन करती है जहाँ पे खास करके मुस्लिम माइनॉरिटी और दलित इकट्ठे एक होके कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करते हैं। अब जब तक उन्होंने सेंटर में सपोर्ट किया तब तक कांग्रेस सेंटर में रूल की, जिन जिन प्रदेशों में दलित और माइनॉरिटी सपोर्ट करते हैं उस प्रदेशों को कांग्रेस रूल करती है, तो ये बात आज सबको पता है, समाजवाद को भी के नाम से जो पार्टियां चल रही हैं उनको भी पता है, जो कांग्रेस को भी पता है कि आज खास करके दलित बहुत बड़ी संख्या में पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले इकट्ठा है, और अगर माइनॉरिटी के लोग इसमें जुड़ जाते हैं, ओबीसी के लोग इसमें जुड़ जाते हैं तो सत्ता जो है बहन जी के नेतृत्व में जब चलेगी तो लोगों को जो कांग्रेस का शासन है, जो बीजेपी का शासन है और जो बहन जी का शासन है उसमें अंतर महसूस होने लगेगा, और जब अंतर महसूस होगा तो आपको पता है कि बहन जी ने जैसे एक बार मौका मिला 1995 सरकार चलाने का, उसके बाद से वो विकल्प बन गई उत्तर प्रदेश में, वैसे ही बहन जी देश में भी विकल्प बन जाएंगी। इसीलिए जब बहन जी विकल्प बनेंगी तो समाजवाद की जो राजनीति है जो खास करके माइनॉरिटीज के कंधे पे चलती है वो समाजवाद की विचारधारा बहुत आपको दम तोड़ती हुई नज़र आने लगेगी, और जो ओबीसी की पार्टियां हैं जिनको ओबीसी लोग समाजवाद के नाम से चलाते हैं उनका जो राजनीतिक भविष्य है वो खतरे में नज़र आता है, इसलिए वो लोग जानबूझ के बहुजन समाज पार्टी से दूरी बनाते हैं ताकि उनकी जो राजनीति है वो माइनॉरिटी के नाम से वो राजनीति उनकी चलती रहे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।